लावण्या बच्चे काम कर लिया था। लावण्या, यस सर, हाँ काम कर लिया था बच्चे, जो दो एक्सरसाइज दी थी। यस सर। चलो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सुधांशु बच्चे रिकॉर्डिंग कर लेना। यस सर। चलो ये लेक्चर सेकंड है जीपी का। और निर्मित बच्चे, यस सर। एनी टर्म क्या होती है जीपी की? सर AR(-1) ठीक है, AR(-1). ठीक है। आशी बच्चे, यस सर। तीन टर्म्स अगर जीपी में है, उनका प्रोडक्ट गिवन है, तो क्या मानते हैं? सर AR ए ए अपॉन आर ए आर। चलो अब सम टू एन टर्म्स, आशी बच्चे आप बोलोगे। सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस, ये होता है सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब जैसे अगर मेरे को सम निकालना है, लेट सपोज इसका सम निकालना है 1 + 2 + 2² टिल अप टू 10 टर्म्स, कितनी टर्म्स का? तो जल्दी से बताओ सम टू 10 टर्म्स का सम क्या आएगा, जल्दी बोलो आशी। ए कितना है, सर A1, आर कितना? R9, R2 नहीं होगा बच्चे, कॉमन यस सर, टू टू अपॉन रेशियो नाइन 2 की पावर n, n कितना है 10 - 1 वो 2 - 1, आंसर इज 1023। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा कृष्णा, हाँ सर। सीक्वेंस सुन लो। 3 3/2 3/4, कितनी टर्म्स लें ताकि सम आ जाए 3069/512? क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा कितनी टर्म्स लें तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जल्दी बताओ। सर 3069/512 इक्वल्स टू सम टू एन टर्म्स, यही लगेगा ना? सर, ये क्यों सर, वो तो सम में तो ना दे रखा है सर क्वेश्चन में। ये सम दे रखा है, सम हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी देयर सो दैट द सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 3069/512। ठीक है, हाँ सर। अच्छा तब सर यही फॉर्मूला लगेगा सर। हाँ सर। ठीक है। ए कितना है, जल्दी बोल। सर 3 आर कितना? 7/2 वन बाय टू की पावर एन माइनस एन वन माइनस ओवर वन वन बाय टू 1/2 - n 3062/512। 3 से ये काटा हमने 1023। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। ऊपर क्या आ गया, इसको भी ऐसे लिखते हो ना, 1 - 1/2 की पावर n / 1 - 1/2 लिख सकते हैं। ऊपर सर। नीचे से दोनों से नेगेटिव कॉमन ले, 512। सर। ये पूरी चीज जो हो गई वो हाफ हो गई। ठीक है, तो हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सही है कि नहीं? हाँ सर। यानी ये आ गया सर वन टू माइनस मल्टीप्लाई हाफ नहीं की होगा? पावर नहीं होगा ना, हाफ ही तो होगा बच्चे, हाफ से हो रहा है ना। तो ये आ जाएगा 1023/1024। ये बात समझ आ गई? ठीक हाँ सर। है, तो 1023/1024 इज इक्वल टू हाफ की पावर एन, सही है? तो दिस इज इक्वलेंट टू, यहां पे लिख देता हूँ, 1/1024 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, दैट इज 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर n, n इक्वल टू कितना आ गया 10। 10 टर्म्स लेनी है ताकि सम क्या आए, ये आ जाए, सही है? समझिए। हाँ सर। गर्व, यस सर।
हाँ अगर आप बोलोगे अगर कितनी टर्म्स ली जाएं ताकि इस सीरीज का सम जो है वो 7 to 8 आ जाए, सही है? यस सर। बोल जल्दी बोल सर 2 into 3 power n-1 upon 2 = 7 to 8 सर, ठीक ऊपर है, नीचे से ये ट्रू आंसर हो फॉर्मूला लगा जाएगा। दिया, 3 power n-1 = 7 to 8, तो 3 power n = 7 to सर 9, 3 power 6 दैट इज 3 power 6 n = 6। बात समझ आ सिक्स गई? यस सर। सही है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो निर्मित। यस सर। क्वेश्चन है द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज 3। कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज 3, ठीक है? कॉमन रेशियो क्या दे रखा है? 3 दे रखा है पहली चीज, और दूसरी चीज दे रखी है एंड द लास्ट टर्म इज 486। टीएन जो है लास्ट टर्म जो दे रखी है वो 486 दे रखी है, ठीक है? इफ द सम ऑफ दीज टर्म्स इज 728, सम ऑफ दीज टर्म्स इज 728 दे रखा है, ठीक है? देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके सर। ठीक है, तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 486। यस सर। ठीक है, यस सर। सही है, यस सर। ए कितना हो गया? अब ए निकालना, सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन इज इक्वल्स टू 728। कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। सर यहां से 486 लिख। तो ये हो गया ए ए आर रेस टू एन माइनस ए इज इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 3 3 - 1 7 2 8 × 2, तो कितना हो गया? 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 7 14 1 4 5 6। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब एन की वैल्यू भी नहीं पता मुझे, ठीक है ना? यस सर। तो इसकी वैल्यू पता है ना, ए आर, इसको ऐसे लिखते हैं ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन इंटू आर माइनस ए इज इक्वल टू 1 4 5 6। बात समझ आई? यस सर। ए आर रेस टू एन माइनस वन की वैल्यू क्या है? 486। यस सर। आर की वैल्यू 3 माइनस ए इज इक्वल टू 1 4 5 6, ए की वैल्यू आ जाएगी 486 इंटू 3 माइनस 1 4 5 6। दिस इज द आंसर, सॉल्व कर लेना। अच्छा ये इसलिए ए इंटू, देखो बच्चे ये इसकी वैल्यू तो समझ आ गई, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। हाँ जी सर, ठीक है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस आ गया सर, ये समझ आ गया। इसकी वैल्यू इंटू आर माइनस ए क्यों किया वो पूछना है सर। बच्चे आर माइनस ए नहीं है, ये आर इंटू आर अलग है। ए इंटू आर रेस टू एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन इंटू आर लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी सर, वही तो लिखा है ए इंटू आर रेस टू एन को, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन इंटू आर। ओके सर, समझ आ गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चे क्वेश्चन आता है इसका सम निकालना है, या तो ये है 5 + 55 + 555 till up to n terms, ठीक है? आशी। यस सर। ऐसे कोई भी n terms का सम आए तो कैसे करना है? जैसे लेट सपोज ये दोनों में कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं आशीष, सबसे पहले इसमें स्टेप होगा इसको 9 की सीरीज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 8 से 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? सो 1 + 11 + 111, सही है? फिर 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा? 9 + 99 + 999। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? यस सर। आशी बच्चे 9 को लिखते हैं 10 - 1।
यस सर 99 को लिखते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1 और 99 को लिखते हैं 1000 माइनस 1 अच्छा 8 बाय 9 ये आशी सबकी पहली टर्म देखते हैं 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब ये किसमें है सर एपी में जीपी हो गया ना पहली पहली टर्म जीपी जीपी बच्चे 10 अच्छा 1 कितनी बार सबट्रैक्ट हो रहा है 3 टाइम्स बच्चे n टर्म्स है ना तो कितनी बार 3 टाइम्स सबट्रैक्ट होता है तो -3 लिखते हैं n टाइम्स सबट्रैक्ट हो रहा है तो -n लिखेंगे -n ठीक है 8 बाय 9 अब इसका फॉर्मूला क्या होगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1 माइनस n आशी बच्चे समझ आया हाँ या ना यस सर आशी दोबारा बोलो इस क्वेश्चन को सेकंड वाले को 5 वाले में क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है जल्दी बताओ सर 5 कॉमन ले लेंगे पहले बोलो फिर क्या आएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 फिर 9 से डिवाइड करेंगे जल्दी बोलो क्या आएगा 9 से डिवाइड फिर 9 प्लस 99 प्लस 999 टिल अप टू एंड टर्म अब क्या करूं जल्दी बोलो सर 9 को 10 माइनस 1 लिख लेंगे और 10 हां बोलते जाओ माइनस 1 10 क्यूब माइनस 1 अच्छा ये किस में 5 सर जीपी जीपी इसका फार्मूला क्या हो गया 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 ओवर 9 सही है यस सर माइनस n n समझ आ गई बात यस सर चलो अर्नव अर्नव गर्व यस सर हाँ गर्व अब आप बोलना इसका सम निकालना 2 प्लस 3 की पावर n n इज इक्वल्स टू 1 टू 10 ठीक है इसका मतलब क्या होता है सर समेशन समेशन अच्छा n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है सर 1 से 10 चलो n की वैल्यू 1 डालो आंसर क्या आएगा सर 5 2 प्लस 3 2 प्लस 3 की पावर 1 चलो n के लिए 2 डालो सर 2 प्लस 3 की पावर 2 n के लिए 3 डालेंगे तो 2 प्लस 3 की पावर 3 की पावर कितनी टर्म्स हैं 10 सर n 10 टर्म्स सर 10 सॉरी 10 हां n इज 10 अच्छा 2 2 कितनी बार ऐड हो रहा है सर 10 बार 2 into 10 अब 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब किस में है सर जीपी में तो इसका सम कितना आएगा 20 प्लस 3 3 into 20 प्लस 3 into 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 n की वैल्यू क्या है सर 10 डाल देना आंसर जो भी आ जाए कोई डाउट है यस नो सर डाउट तो नहीं है अच्छा बच्चे इसमें ना सेकंड एक्सरसाइज में आपको ट्राई करने पड़ेंगे थर्ड एक्सरसाइज में 20.3 एक्सरसाइज में ट्राई करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन बिना ट्राई किए हुए मैं सॉल्व नहीं करवा सकता हूँ इसीलिए मैंने अभी सॉल्व नहीं करा है ठीक है तो एक बार आप ट्राई करोगे तब जाके अच्छे से समझ आएंगे ऐसे समझ नहीं आएंगे चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम 20.4 सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो और कॉमन रेशियो अगर 1 से कम है कॉमन रेशियो क्या है 1 से कम है जीपी का तो आपका सम जो होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस r a अपॉन 1 माइनस r सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r कृष्णा हाँ सर इसका सम बताना अप टिल इनफिनिटी टर्म्स जल्दी बताओ ए कितना है सर 1 आर कितना है 1/3 तो आंसर कितना हो गया सर 3/2 समझ आ गई बात समझ आ गया हाँ सर चलो निर्मित यस सर निर्मित आप बताओगे
ओके सर अप टू एन ब्रैकेट्स सही है यस सर ये पहले अब बताओ निर्मित कैसे सम निकालेंगे ये जीपी है पूरा यस सर ये जीपी है पूरा ये जीपी में है नो नो सर एपी एपी भी नहीं है बच्चे थोड़ा सोच समझ के बोलो बच्चे ये और ये टर्म और ये टर्म जीपी में है कि नहीं देखो यस सर है पक्का ठीक है yes, इसको दो दो पार्ट में ब्रेक कर दो 1/3³ + 1/3 की पावर 5 टिल अप टू 20 टर्म्स प्लस 1/5² 1/5 की पावर 4 1/5 की पावर 6 टिल अप टू 20 टर्म इसका सम क्या आया 1/3 / 1 - 1/3 का स्क्वायर सही है ओके सर और ये क्या है 1/5² / 1 - 1/5 का स्क्वायर बच्चे बात समझ आ गई हाँ या ना यस यस सर कोई डाउट तो नहीं है नो सर चलो एक क्वेश्चन आप बोलेगा कौन अब ये कहता है आशी यस सर आशी आशी इसका सम बताना है आपने ठीक है अब आप बोलोगे मेरे को बताओ कि ये सीरीज रखी है एक्स प्लस वाई x² + y² + x² + x³ + x³y + x²y + x²y³ till up to infinity और मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन वन दे रखी है मॉड वाई की वैल्यू लेस देन वन दे रखी है ये पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट तीसरा ब्रैकेट ऐसी इनफाइनाइट ब्रैकेट है इन सब का सम निकालना है आशी बच्चे बताओ जीपी में है यस सर कौन सी टर्म जीपी में है जीपी में है सोचो sir. बच्चे नहीं है ना जीपी में कॉमन रेशियो कहाँ सेम है ये देखो इसको जब भी अगर इसको मैं 1/x - y से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x - y × x + y क्या होता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x³ - y³ सही है और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दैट टर्म विल बी x⁴ - y⁴ बात समझ आ रही है यस सर अब ये क्या आ गया 1/x - y x²x³x⁴ किस में है सर जीपी में y² + y³ + y⁴ किस में है जीपी बताओ इसका आंसर क्या आया -y² ये बात समझ आ गई a/(1 - r) होता है ना यस सर समझ आ गया यस सर कुणाल सर कुणाल बच्चे बच्चे मैंने x - y से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया x - y से अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूँ व्हाट इज द आंसर x² - y² इसको x - y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो व्हाट इज द आंसर समझ गया सर ठीक है हाँ जी सर चलो क्या होता है ऋषिराज है ऋषिराज चलो लावण्य यस सर लावण्या बच्चे इसका रैशनल एक्सप्रेशन निकालना है 0.423 बार क्वेश्चन समझ आ गया यस सर या 0.125 के ऊपर बार इसका रैशनल एक्सप्रेशन निकालना तीन एक्सप्रेशन ले लेते हैं उनके रैशनल निकाल लेते देखें एक बारी करके पहले जैसे 0.3 के ऊपर बार लिख लेते हैं देखते रैशनल एक्सप्रेशन निकाल लेते बच्चे 3 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ
0.333 till up to infinity. चलो अब इसको बच्चे मैं ऐसे लिखता हूँ 0.3 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 till up to infinity. हाँ या ना? Yes sir. लिख सकता हूँ, किसी को डाउट है? ठीक है, अब ये देखते हैं, इसको लिखते हैं, ये जो होता है, ये जो टर्म्स हैं, 3/10, 3/10 का स्क्वायर, 3/10 का क्यूब, ये किस में है? तो जीपी. 3/10 upon 1 minus 1/10. ठीक है, तो आंसर yes. कितना आ गया? 3/10 upon 9/10. 3/10 कितना हो गया? 1/3. डाउट है? नो सर. चलो अभी लावण्या दूसरा भी बोलो तुम. 0.423 bar. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. 0.423 bar का मतलब क्या हो गया? 0.4 plus 0.023 0.000023 plus 0.6 bar 0 2 3. बात समझ आ रही है? यस सर. अब 0.4 को तो अलग कर दो, 4/10, सही है? यस सर. इसको क्या लिखते हो? 23/1000. ठीक है? यस सर. और दूसरे वाले को लिखते हो 23/, क्या लिख सकते हो? 5/10 10^5. 23/10^7, सही है? यस सर. अब मेरे को ये बताओ, ये किस में है? सर जीपी में. जीपी में ना 4/10 को अलग रखो, 23/1000 upon 1 minus 1/100. समझ आ गई बात? यस सर. अभी आंसर क्या आया आपका? 4/10 plus 23/1000 कट जाएगा, 23/99990. देखो एक बारी, सही है कि नहीं? यस सर सही है. अब ये 990 आ गया, 99 into 4 कितना हो गया? 396 plus 23, सही है? यस सर. व्हाट इज दिस? 6 3 9 9 2 11 1 3 4 4 1 9 by 990. बात समझ आ गई? यस सर. चलो एक और बोलना है लावण्या, तुमने ही बोलना है. 0.125 bar है, क्या करूं? सर 0.125. बात समझ आ गई? यस सर. 125 by क्या लिख दूं? 10^3 लिख दूं? 125 by 10^6 लिख दूं? 6. 125 by 10^9. 9. हाँ लावण्य समझ आ गया? यस सर. 125 by 10^3 upon 1 minus 1/10^3. तो आपका आंसर आ गया 125 by 999. बात समझ आ गई? यस सर. सर हाँ बोलो. सर एक बार वो बता दो, जिस दोबारा बता दो सर, जिसमें सिर्फ दो पे होता है, अगर तीन भी होता है तो डेसिमल के बाद. निर्मित आप ही बोल दो. okay, आप बोल दो. 0.723 bar, सही है? ओके सर. तो ये क्या आएगा? 0.7 अलग कर दो, 0.023, 0.23, 0.5 by 0 2 3. समझ आ रही है बात? यस सर. 7/10, 23/10^3, 23/10^5, 23/10^7. Till up to infinity. कोई डाउट? नो सर. 23/10^3 upon 1 minus 1/10^2. कोई डाउट? नो सर. समझ आ गई बात? हाँ या ना? यस सर. यस सर. चलो अब गर्व. यस सर. गर्व एक क्वेश्चन दे रखा है,
हमारे को क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी, ठीक है, क्या निकालना है, सम ऑफ एन इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब, ठीक है, सर जो कम हो रहा है, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, हाँ, इन विच सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव है और उसकी फर्स्ट टर्म फोर दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है फोर, और डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 32/81, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 32/81, यानी डिफरेंस ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज दिस, ये दे रखा है, सही है, निकालना ये, क्वेश्चन समझ आ गया सर? 32/81 है, फिर 32/18 है, 81, ओके, ठीक है, आपको निकालना है सम टू इनफिनिटी, यानी a अपॉन 1 माइनस r निकालना है, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? t1 ये दे रखा है, ये दे रखा, सॉल्व करना है, t1 क्या होता है जल्दी बताओ सर, a फर्स्ट टर्म क्या होती है जीपी की, a इक्वल्स टू 4 हो गया, t3 क्या होता है, ar स्क्वायर माइनस ar माइनस ar इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल टू 32/81, a की वैल्यू 4 डाल दी हमने, r स्क्वायर माइनस r रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 8/81, कोई डाउट? 4 कॉमन निकाल दिया, r स्क्वायर को t मान लो, r स्क्वायर को t मान लो ताकि क्वाड्रेटिक आसानी से सॉल्व हो जाए, t माइनस t स्क्वायर 81, 81 इज इक्वल्स टू 8, सही है? यस सर, 81 t स्क्वायर माइनस 81 t प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, कोई डाउट? नो सर, इसका आ जाएगा, फैक्टर्स बनेंगे 81 t स्क्वायर माइनस 72 t माइनस 90 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, सही है? यस सर, 90 कॉमन लिया, 90 माइनस 8 माइनस 1, 90 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 1/9 या t इक्वल्स टू 8/9, t इक्वल्स टू 1/9 है तो इसका मतलब एक r स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 हो गया, तो r इक्वल्स टू 1/3, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, वो सारी टर्म पॉजिटिव है, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/9, r इज इक्वल्स टू 2√2/9, नो सर, a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 4, दोनों का अलग अलग सम निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर, समझ आ गया? यस सर, चलो अब अर्णव है ग्रुप में, चलो स्वयं, यस सर, स्वयं आप बोलना, एक जीपी है उसकी फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो 1 दे रखी है, एंड ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स व्हिच फॉलोज इट, ईच टर्म इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट, मतलब क्या है, ईच टर्म पहले वाली टर्म सम ऑफ n होगी तो दूसरी सम ऑफ n माइनस 1, नहीं, ईच अगर लिखा है ईच टर्म इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट, मतलब क्या हुआ इसका, सुन ले, जो टर्म होगा उसके आगे के मतलब, अगर ये जी, हाँ वेरी गुड, ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब टिल अप टू इनफिनिटी, इसमें बोला हर एक टर्म, जैसे अगर मैं a बोलता हूँ, a किसके बराबर है, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब टिल अप टू इनफिनिटी, अगर मैं ए आर बोलता हूँ तो ए आर किसके बराबर होगा, आगे वाली टर्म के सम के बराबर, टिल अप टू इनफिनिटी प्लस, ठीक है, ये बोल रखा है, यस सर, देन फाइंड द जीपी, ए जीपी का मतलब a और r निकालना, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, चलो अब जल्दी बताओ, इसी को ले लेते हैं, तो हमारा t1 मतलब a इक्वल टू 1 दे रखा है, यस सर, ठीक है, ए आर जो है ए आर इक्वल टू किसके बराबर है, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर टिल अप टू इनफिनिटी, ए आर कट जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा और इसका सम आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस r, सही है, ये नहीं माइनस r, यस सर, इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 माइनस r आ गया, 2r इज इक्वल टू 1 आ गया, r इज इक्वल टू 1/2 आ गया, डाउट है कुछ? नो सर, समझ आ गई बात?
और आर निकल गए। आप बोलो सर, ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। बच्चे इसमें बोला था ईच टर्म इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट, यानी कोई भी टर्म, जैसे अगर फर्स्ट टर्म बोलता हूँ वो आगे आने वाली सारी टर्म्स के सम के बराबर है, सेकंड टर्म है तो आगे आने वाली सारी टर्म्स, इसके आगे वाली टर्म्स ये हैं तो इन सब के सम के बराबर है, सही है? यस सर। लावण्या, yes, तो अगर मैंने इसी को ले लिया था, ए आर इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका सम अगर लगाते हैं तो क्या होगा, ए आर स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर। यस सर। तो ए आर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर है, ए ए आर 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 अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू कितना आ गया, वन, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाय टू। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन आता है, लावण्या तुम ही बोल दो। यस सर। लावण्या, Yes, sir. एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, सही है? ये साइड उसकी 10 है, ये भी साइड 10 है स्क्वायर, ठीक है? अब उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है, ऐसे ये जैसे मैंने पहले वाला स्क्वायर बोल दिया ए बी सी डी, और ये बोल दिया पी क्यू आर एस, इसको ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बनाया, उसको ज्वाइन किया, उसके बाद हमने क्या किया कि तीसरा एक स्क्वायर बनाया जो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया। एक मिनट बच्चे, ये हमने एक स्क्वायर बनाया था, अब इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और बनाया, ये एक और स्क्वायर बनाया। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा अब यहाँ तक बात क्लियर है ना पूरी? यस सर। क्या निकालना, क्या है जल्दी बता दो क्या निकालना है? एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर्स, एरिया। अब ये प्रोसेस जो है ना मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाला, ये इन्फिनिटी तक की है, सारे एरिया स्क्वायर्स के निकालने हैं, सबका सम निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया ना? यस सर। चलो अब जल्दी से, पहले वाले का एरिया, ए वन वाले का एरिया कितना होगा? 100। चलो अब दूसरे वाले का A2 का, अब सुनना एक बारी, ये साइड कितनी है? सर 5। और ये भी साइड कितनी है? 5। ये लेंथ PQ की लेंथ कितनी आएगी? सर 5√2। 5² + 5² = 5√2। एरिया कितना आएगा 5√2 से? 50। वेरी गुड। चलो आप ए थ्री का निकाल लेते हैं, सही है? आप yes, लावण्या बच्चे जल्दी से देखना, वाई मान लेते, एक्स वाई की लेंथ कितनी है? सर और इसकी लेंथ कितनी? 2.5√2। 2. अच्छा, ये वाली लेंथ 5, हम ये कहते हैं मेरे हिसाब से 5, कितना बोला है आपने? पी क्यू 5√2 है, बिल्कुल। आधी कितनी हो गई, ये वाली लेंथ आधी कितनी हो गई? सर 5√2/5 बाय 2। यस सर। ठीक है ना, और ये दूसरी लेंथ भी क्या है, 5√2/2। तो इसका मतलब इसकी लेंथ जो आएगी, ये जो मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, तो ये लेंथ आएगी 5√2/2² + 5√2/2² अंडर रूट में, सही है? यस सर। तो ये आपका आ जाएगा, आपकी लेंथ जो आएगी वो आएगी 5, सॉल्व कर लो 5 आ जाएगी, ठीक है? तो 5 का मतलब ए थ्री जो एरिया आएगा वो 5 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 25। डाउट है कुछ? नो सर। पहले वाले का एरिया कितना? 100। ये समझ आ गई बात? यस सर। जीपी है कि नहीं? यस सर। 100/1 - 1/2, डाउट? नो सर। तो चलो
अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। आशी यस सर, आशी पिछला वाला क्वेश्चन समझ आ गया था? यस सर। अच्छा, एक बॉल है 120 मीटर हाइट से नीचे फेंकते हैं, सही है? यस सर। नीचे गई, नीचे जाती है, रीबाउंस करती है 4/5 ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट, 4/5 ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट, फिर नीचे जाती है, फिर कितना रीगेन करती है 4/5 ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट, फिर ऊपर से नीचे आती है, ऐसी ये प्रोसेस चलता रहता है, सही है? दिस प्रोसेस गोज अप टू इनफिनिटी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। पहले वाले हाइट कितनी कितनी हाइट से फेंकते हैं बॉल को? सर 20 मीटर। 120 बोला, सही है? यस सर। अच्छा, इस हाइट से अगर ड्रॉप कर रहे हैं, पी क्यू का डिस्टेंस 120 हो गया, हाँ या ना? यस सर। अब उसके बाद कितनी हाइट पे गया ऊपर हाइट पे, जल्दी बताओ? 4/5 ऑफ प्रीवियस हाइट, वेरी गुड। कितनी बार ये ऊपर गया फिर नीचे भी आया ना, दो बार ही गया कि नहीं? यस सर। चलो अभी एक बार लिख रहा हूँ मैं, और फिर कितना पहुंचा हाइट पे, जल्दी बताओ? सर 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। 4/5 इनटू 120, हाँ कि नहीं? यस सर। ये भी दो बार होगा, ऐसे ही फिर 4/5 का क्यूब होगा इनटू 120 होगा, हाँ कि नहीं? यस सर। तो ये 2 मैंने बाहर लिखा, ये समझ आ गया 2 क्यों, ऊपर नीचे दोनों? यस सर। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, 2 × 4/5 × 120/1 − 4/5, सॉल्व कर लोगे? यस सर। यस सर। बच्चे आपको आज जो है पॉइंट थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज पूरी पूरी करनी है, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज पूरी पूरी करनी, जिसके जो भी डाउट्स आते हैं वो ग्रुप में शेयर करेगा पहले, जिसके जो भी डाउट्स आते हैं ग्रुप में शेयर करेगा, ठीक है? उसके बाद मैं करवाऊंगा कुछ, ठीक है? हो जाएंगे कि नहीं लावण्या, हो जाएंगे? यस सर। आ,